morning, students. Today's topic is adding ing to the following doing verbs. अभी हमने previous chapter में study किया था doing verbs, action verbs. तो ये जो action words होते हैं जब हम इनमें ing add करते हैं तो क्या okay? So let's see. कुछ नहीं करना है, जो आपके doing words हैं उसमें हमें सिंपल ing add. Okay, let's start. बेटे इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो हमारे पास डूइंग वर्ड्स हैं उनमें आपको आई एन जी एड करना है. तो फर्स्ट वन देखो, फर्स्ट वर्ड है आपका कुक. कुक इज अ डूइंग वर्ड, ये एक एक्शन वर्ड है विच मीन्स पकाना. ठीक है, तो जब हम कुक में आई एन जी एड करते हैं तो क्या चेंजिंग आते हैं. देखो, राइट डाउन द स्पेलिंग ऑफ कुक, सी डबल ओ के कुक, और सिंपल इसके साथ आपको आई एन जी को एड करना है, आई एन जी. सो आप इसे क्या रीड करेंगे, कुकिंग. ओके, कुक प्लस आई एन जी बनेगा आपका कुकिंग. नेक्स्ट है पेंट प्लस आई एन जी. तो सबसे पहले पेंट किस तरह लिखते हैं, पी ए आई एन टी. पेंट किस तरह गिनी से राइट कर लीजिए, उसके पीछे आपको आई एन जी एड करना है, आई एन जी. सो इट विल बिकम पेंटिंग. ओके, पेंटिंग भी आपका एक एक्शन वर्ड है. थर्ड वन इज जंप. जंप मीन्स कूदना. अब जंप पे जब हम आई एन जी एड करेंगे, जे यू एम पी जंप, उसके पीछे राइट कर दीजिए आई एन जी, सो ये बन जाएगा जंपिंग. क्लियर. नेक्स्ट इज E-A-T, eat. Eat means खाना. तो eat में जब ing add करते हैं तो ये बन जाएगा eating. ठीक है, so ये भी आपके action words ही हैं, but जब हम पहले वाले doing words में simple में जब हम ing add करते हैं तो उनकी pronunciation change हो जाती है, plus उनका meaning भी change हो जाता है. Cook means पकाना और cooking means पका रही है. ठीक है, इस तरीके से आप सिंपली जो है डूइंग वर्ड्स, कोई सा भी वर्ड है उसमें आई एन जी एड कर सकते हैं. ओके,